आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में छात्रों से बात करना चाहता हूं। बच्चों, इस समय कोविड-19 के कारण ऑनलाइन शिक्षण चल रहा है तथा छात्रों को गूगल मीट, गूगल क्लासरूम, व्हाट्सएप या यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। इन कक्षाओं में उपस्थिति ही छात्रों की पढ़ाई सुनिश्चित करती है। इन कक्षाओं में कुछ छात्र जानबूझकर अनुपस्थित रहते हैं। हम छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने के लगातार प्रयास करते हैं। इन प्रयासों में ऑनलाइन पीटीएम व अभिभावकों से फोन पर बात करना भी शामिल है। हमारे प्रयासों से उपस्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन यह अभी भी 100% नहीं है। अब हमें ऑनलाइन अर्धवार्षिक परीक्षा भी करानी है। हालांकि हम अप्रैल से ही मासिक परीक्षाएं करा रहे हैं। हमने PT1 करा लिया है। हमने अनेक क्विज भी ऑनलाइन कराए हैं। हमने पहले परीक्षा गूगल फॉर्म पर कराई थी, फिर हमने गूगल फॉर्म व गूगल क्लासरूम पर भी परीक्षा कराए हैं। यह सभी परीक्षाएं सफल रही हैं। अब हमने जो परीक्षा करानी है वह स्टैंडर्ड प्रश्न पत्र के अनुसार होगी। उसमें CBSE बोर्ड पैटर्न होगा। उसमें MCQ, वेरी शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर व लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न होंगे। MCQ के लिए हम गूगल फॉर्म देंगे, लेकिन अन्य सभी प्रश्नों के लिए हम गूगल क्लासरूम का प्रयोग करेंगे। हम प्रश्न पत्र गूगल क्लासरूम पर भेजेंगे तथा छात्र प्रश्न पत्र को पूर्ण रूप से सोल्व करके वापस गूगल क्लासरूम पर ही भेजेंगे। छात्रों को भेजने के लिए परीक्षा खत्म होने के बाद 10 मिनट मिलेंगे। इन 10 मिनट में छात्र अपना प्रश्न पत्र सोल्व करके गूगल क्लासरूम पर भेजेंगे। सभी छात्रों के फोन में व्हाट्सएप, गूगल क्लासरूम व गूगल मीट होना चाहिए। मेरा अभिभावकों से भी निवेदन यह है कि वह छात्रों को सफिशियंट डेटा उपलब्ध कराएं ताकि डेटा की समस्या ना हो। फोन की मेमोरी को भी डिलीट करते रहें ताकि उसमें स्पेस उपलब्ध रहे तथा फोन को चार्ज करके भी रखें ताकि फोन बंद ना हो। अर्धवार्षिक परीक्षा में अभी तक का जो भी सिलेबस पूर्ण हुआ है उसी में से प्रश्न आएंगे। हमने अप्रैल से अभी तक के समस्त विषयों के वीडियो YouTube चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। आप इन वीडियो को पुनः देखें, तैयारी करें। आप ज्यादा से ज्यादा बार इन वीडियो को देखें ताकि आपकी तैयारी हो सके। किसी भी टॉपिक के समझ में न आने पर शिक्षकों से पूछें। शिक्षकों की रिवीजन कक्षाओं में प्रतिभाग करें। आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, डिस्कशन में भाग लें, अपनी समस्याओं का समाधान कराएं तथा परीक्षा की पूर्ण तैयारी करें। परीक्षा के समय 10 मिनट पहले अपने आप को तैयार कर लें तथा कॉपी, पेन आदि तैयार रखें। माता पिता की भी छात्र को इस तैयारी में सहयोग की अपेक्षा हम करते हैं। वह यह भी देखें कि छात्र नकल ना करें, क्योंकि नकल से गलत आदत पड़ेगी तथा छात्र की तैयारी भी प्रभावित होगी। अतः अभिभावक यह ध्यान दें कि छात्र को नकल नहीं करने देना है। छात्र हित में यही जरूरी है। अतः परीक्षा को नकल रहित कराना ही आपका व हमारा उद्देश्य है। अभिभावकों का सहयोग अपेक्षित है। हम और आप मिलकर ही परीक्षा को नकल रहित करा सकते हैं। आप अपने छात्रों को परीक्षा की पूर्ण तैयारी कराएं ताकि वह अच्छे अंकों ला सकें तथा अच्छे अंकों से परीक्षा पास कर सकें। अपनी सभी ऑनलाइन परीक्षाओं को वह अटेंड करें तथा रिवीजन भी ठीक से करें। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद।